हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाहुबली द बिगनिंग देख कर आया। अगर हम इस फिल्म की न्यूमरोलॉजी की बात करें तो बाहुबली जो टाइटल है वो 21 पे ऐड होता है, 21-3 पे ऐड होता है। 21 बेशक जुपिटर का विक्ट्री का नंबर है, मैजिक नंबर है, लेकिन विक्ट्री इसमें मिलती है आफ्टर लॉन्ग इनिशिएशन। आपके डिटर्मिनेशन का, हार्डवर्क का पहले टेस्ट होता है, उसके बाद आपको विक्ट्री मिलती है। तो ऑब्वियसली ये फिल्म 250 करोड़ की है, दोनों पार्ट्स मिला के 3 साल लगे हैं इस फिल्म को बनाने में, तो इनकी डेडिकेशन का बहुत ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए इस फिल्म को विक्ट्री मिलेगी। जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एसएस राजामौली, वो इंडिया के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। उन्होंने 9 ब्लॉकबस्टर बना चुके हैं और 10वीं जो है बाहुबली उनकी 10वीं ब्लॉकबस्टर होगी। तो आइए दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं। तो इस फिल्म को पहले तो मैं बता दूँ, इंडिया की सबसे बेस्ट VFX CGI इफेक्ट्स हैं। टेक्निकली इंडिया की बेस्ट फिल्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट तो इस फिल्म का आने वाले डेकेड्स, आने वाले टाइम तक भी याद रखा जाएगा। उस मायने में फिल्म क्लासिक है। और मतलब मैं समझता हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में सोचना जो अमर चित्रकथा से इंस्पायर्ड है और पूरी माइथोलॉजी भी है इसमें, ऐसी फिल्म के बारे में सोचना, उसको बड़ी स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करना एक जीनियस का ही काम हो सकता है। तो इतना सोचना ही और 1/10 ऑफ द बजट ऑफ हॉलीवुड के मुकाबले इतनी बढ़िया फिल्म बनाना, ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो ये फिल्म एक प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा है। इसलिए इस फिल्म की अगर हम स्टोरी की बात करें तो फिल्म स्टार्ट होती है प्रभास से, जो कि शिवा है इस फिल्म में, और वो उनका बचपन से सपना था कि माउंटेन के टॉप पे चढ़ के देखना चाहते हैं वो क्या है। तो वो कैसे चढ़ते हैं, वाटरफॉल सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया है, कैसे चढ़ते हैं, गिरते हैं 1000 बार, फिर फाइनली चढ़ते हैं। वहाँ पर उसको तमन्ना मिलती है, तमन्ना से उसे प्यार होता है। तमन्ना साथ ही साथ सीडक्ट्रेस के साथ साथ एक वॉरियर भी है, और उसका ये एम है कि राणा दघुपति जो कि विलन है उसके चंगुल से देवासना को यानी कि अनुष्का शेट्टी को बचाना है। तो हीरो भी तमन्ना से प्यार करता है, इसलिए उसी का एम वो अपना एम बना लेता है और उसको बचा लेता है देवासना को। लेकिन वहाँ के लोग उसको बाहुबली बाहुबली बोलने लगते हैं, तो क्यों वो देखता है मैं इनका भगवान कैसे बन गया। तो ये फिल्म की स्टोरी है। फिर फ्लैशबैक में जाती है क्या हुआ था। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, 30-40 मिनट का वार फाइट सीक्वेंस है, जो कि आप 300 या और हॉलीवुड की मूवी से भी कंपेयर कर सकते हैं, इतना बढ़िया है। वो फिल्म की हाईलाइट है। तो ये फिल्म की स्टोरी है। फिर अगले साल इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा, बाहुबली द कंक्लूजन। तो अगर हम फिल्म की म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक कुछ खास नहीं है, बेकार है हिंदी वर्जन का, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया है और हर सीन को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये फिल्म जो है विजुअल स्पेक्टेकल है, और इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 70 mm के पर्दे पर ही देखना चाहिए, पायरेटेड DVD या ऑनलाइन नहीं देखना चाहिए, वो इस फिल्म के साथ अन्याय होगा। और हालांकि हर फिल्म के साथ अन्याय होगा, उसको बड़े पर्दे पर देखना चाहिए, पर स्पेशली ये फिल्म तो बिग स्क्रीन के लिए बनी है। तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा स्लो है। जैसे SS राजामौली हर फिल्म को बनाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में शुरू में टाइम लेते हैं, इस फिल्म में भी उन्होंने लिया है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत फास्ट पेस्ड है। सेकेंड हाफ में जो फ्लैशबैक और वार सीक्वेंसेस और सारा कुछ है इतना बढ़िया है कि सेकेंड हाफ ही आपके पैसे वसूल कर देता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था और इसलिए मुझे फिल्म अच्छी लगी। ये आप देखना मत भूलिएगा, इस वीकेंड जाइए और ज़रूर देखिए, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट विजुअली और टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है ये। तो अगर हम इस फिल्म की एक्टिंग की बात करें तो SS राजामौली ने अपनी तरफ से मास्टरपीस बनाया है, और उनका जो विजन है बहुत बड़ा है, जो कि कोई इंडियन डायरेक्टर सोच नहीं पाता है उनके जैसा। एक्टिंग में प्रभास अपनी टॉप फॉर्म में है, जिस तरह से वो अपना शिवलिंग उठा के चलते रहते हैं, उतने स्ट्रांग और पावरफुल मैन है। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी है, ये फिल्म उनको बिलोंग करती है, वही बाहुबली है और बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है। फिर इस फिल्म में विलन जो राणा दघुपति हैं वो भी बढ़िया हैं। एक्टिंग सभी की अच्छी, चाहे वो अनुष्का शेट्टी हो, तमन्ना भाटिया हो, या जो जो इनके गुलाम बने हैं सत्यराज वो हों, नासिर हों, सारे एक्टरों ने अपना बढ़िया काम किया है। लेकिन फिल्म जो है विजुअली सबसे अच्छी है, और जो भी वाटरफॉल सीक्वेंस है, पूरा जो टाउन क्रिएट किया है, जो भी पूरी सेना है, जो वार फाइट सीक्वेंस है, वो बिल्कुल देखने लायक है, आप मिस करना ना नहीं चाहिए उनको। और इसलिए मैं इस फिल्म को 3 स्टार देता हूँ, और आप भी जाके देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।